नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणोदय समाचार। तीर्थधाम बटेश्वर पहुँचे केंद्रीय मंत्री, मंदिर में की पूजा अर्चना। सोमवार शाम बटेश्वर पहुँचे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार ने तीर्थधाम बटेश्वर नाथ महाराज की पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद नौका विहार किया। नाव में बैठकर यमुनोत्री किनारे बसे शिव मंदिरों की श्रृंखला देख बहुत खुश हुए। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक स्थलीय को देखा और नमन किया। नमन करने के बाद अटल संकुल भवन को देखने के बाद छौरीपुर मंदिरों को देखने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं राज्य सरकार ने पास की है उन्हें जल्द बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र बटेश्वर को अटल के नाम से दुनिया में पहचाना जाएगा। इस मौके पर नायब तहसीलदार गौरव अग्रवाल, शिव कुमार शर्मा, शिवम गोस्वामी, सोनम गोस्वामी, शिवा, नितिन, कृष्णा गोस्वामी सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इधर जैसे भी चली थी, इधर ये पूरे घर के पूरी जगह खाली है। इधर किला बना हुआ है, यही तो है। ये आवाज हो गया, आ जाइए। एक घर की हालत ये हुई है। कैसा आना हुआ यहाँ? देखिए, आना तो चुनाव के लिए ही हुआ है। चुनाव प्रचार संचालन समिति की बैठक है, उसका ही विषय है। लेकिन साथ में क्योंकि हमारा घोषणा पत्र भी तैयार हो रहा है जी सर, तो घोषणा पत्र में कुछ ऐसे केंद्र विकसित करने की योजना भी है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे केंद्रों का भी विकास करना, तो वो भी एक विषय साथ में जुड़ा हुआ जी सर। आप जनता के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो मोदी जी की नीतियाँ थी वो तेज़ी से धरातल पे उतारी योगी जी ने, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी का ही समर्थन कर रही है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है वो करेगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।